What's up guys, once again welcome back to our YouTube channel. जैसा कि आप सब जानते हो डांस दीवाने सीजन 3 चल रहा है और ऑडिशन राउंड हो चुके हैं. टॉप 13 चुने जा चुके थे और अब मेगा ऑडिशंस की टर्न है. उसमें टॉप 16 जो है चुने जाने गाइस, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है. हर कोई आर्टिस्ट जो है डरा हुआ है गाइस. टॉप 15 चुने जाने हैं लेकिन कंपटीशन टफ होने की वजह से टॉप 16 का जो है अनाउंसमेंट हो गया गाइस. और परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छे क्रू, डिमोलिशन क्रू 12 से 26 साल के उसमें आर्टिस्ट थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया. उनको और ज्यादा मेहनत करके आने को बोला गया गाइस. धर्मेश और तुषार काले के कमेंट बहुत ही खतरनाक थे कि ये सीजन 3 है और ये मेगा ऑडिशन है, इतनी कम जो है कोरियोग्राफी नहीं चलेगी. ऐसे ही कमेंट तुषार काले ने उस क्रू को दिए गए गाइस. दूसरी तरफ धर्मेश के जो कमेंट थे वो भी बहुत स्ट्रांग थे कि कॉम्पिटिशन ज्यादा टफ हो गया है और आप सबको जो है परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करनी है. दूसरी तरफ उदय की बात करें वो भी बहुत नर्वस है क्योंकि उसको पता ही है कंपटीशन कितना टफ है. पल्लवी की बात करें तो पल्लवी भी बहुत जो है नर्वस जो है दिख रही है. इवन कि सारे आर्टिस्ट जो है नर्वस दिख रहे हैं गाइस. और आज जिस आर्टिस्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है पल्लवी गाइस. ऑडिशन राउंड में आपने देखा उनकी परफॉर्मेंस एक प्योर कथक थी जो कि काफ़ी जजेस को और ऑडियंस को बहुत ही बेहतरीन लगी थी गाइस. और मेगा ऑडिशन में पल्लवी उतर चुकी है. 39 ईयर ओल्ड पल्लवी हैं और ये मुंबई के रहने वाली हैं और इनके पति जो हैं बहुत प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हैं और ये खुद भी बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट रह चुकी हैं. बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने, बहुत सारे कोरियोग्राफर के साथ इन्होंने काम किया है जैसा कि धर्मेश बार बार रिवील करते हैं. तो गाइस इन्होंने घर मोरे परदेसिया पे के सॉन्ग पे जो है डांस मूव स्टार्ट किए और ये फिर से अगेन कथक परफॉर्मेंस थी. लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, मूव्स बहुत क्लियर थे और इनकी परफॉर्मेंस ने जजेस के दिल जीत लिए. माधुरी दीक्षित को इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन लगी. तो तुषार काले के कमेंट बहुत पॉजिटिव थे और धर्मेश को तो डेफिनेटली इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही लगनी क्योंकि फर्स्ट डे से ही धर्मेश इनके लिए काफ़ी रिस्पेक्टेबल जो है रह रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. और पल्लवी एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, काफ़ी टाइम से इन्होंने डांस छोड़ा था लेकिन डांस दीवाने सीजन 3 ने इन्हें फिर से डांस करने पर मजबूर कर दिया. और ये सेकेंड इनिंग है, ये बार बार रिवील कर रही है कि ये मेरी सेकेंड इनिंग है डांस दीवाने सीजन 3 में और मैं डेफिनेटली कुछ अच्छा कर जाऊंगी. कब मैं घर के जिम्मेवारी में फंस गई मुझे पता ही नहीं चला लेकिन इस बार मैं कुछ करना चाहती हूँ. और माधुरी दीक्षित को उसकी परफॉर्मेंस जो वाव परफॉर्मेंस लगी और डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में पल्लवी जो है तीसरी दावेदार हैं टॉप 15 की रेस में गाइस. और पल्लवी जो है टॉप 15 की रेस में आ जाती हैं गाइस, उन्हें प्ले बटन मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और कमेंट्स जो हैं उनको बहुत ही पॉजिटिव जो हैं तीनों जजेस से मिलते हैं. और टॉप 15 की रेस में जो है पल्लवी जो है अगली दावेदार गाइस डांस दीवाने सीजन 3 में. देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में पल्लवी कैसे कंप्लीट कर पाएगी बाकी के आर्टिस्ट को और ये खुशी कितनी देर तक बरकरार रह पाएगी पल्लवी के चेहरे पे गाइस. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए गाइस. और अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो गाइस, उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप या फिर MX प्लेयर पे देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस. थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग डांस दीवाने ओनली ऑन कलर टीवी एंड बूट सेलेक्ट ऐप. एंड टॉप 15 की रेस में पल्लवी ने अपना जो सिक्का है वो जमा लिया है. पल्लवी ने रिक्वेस्ट किया माधुरी दीक्षित को कि उनके साथ जो है दो चार मूव करना चाहती हैं, तो माधुरी दीक्षित ने डेफिनेटली उनके साथ मूव जो है डांस मूव जो है करेगा इस, जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आए और जजेस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए. खासकर तुषार कालिया को मूव्स जो है बहुत अच्छे लगे जबकि उन्होंने बहुत ज़्यादा होल्डिंग उसके लिए की और माधुरी दीक्षित ने प्यारी सी स्माइल करके शो को जो है यहीं पर इस परफॉर्मेंस को ख़त्म किया. थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल. थैंक यू सो मच.